जनता की लापरवाही को 121 मौतों की सलामी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को सता रहा था। गहलोत सरकार की ओर से किए गए तमाम समझाइश के बावजूद धरातल पर ये सब कुछ वास्तविकता में शून्य साबित हुआ। जनता की दिन ब दिन बढ़ती गई लापरवाही के चलते कोरोना यमराज बनकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पतालों के दरवाजे बंद हो गए मरीजों के लिए। ऑक्सीजन इंजेक्शन और बेड की ऐसी मारामारी हुई कि कई मरीजों की सांसें टूट गई इंतजाम होने की आस में। अप्रैल में 10 दिन के दौरान ही मौतों का ग्राफ तेजी से बढ़ा और मंगलवार को तो इसने सैकड़ा पार करते हुए 121 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में अचानक बढ़ते हुए मौत के ग्राफ ने गहलोत सरकार की भी नींदें उड़ा दी है। आखिरकार अब तक जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री अब जनता के ही खिलाफ होकर सख्ती से निर्देश देने लग रहे हैं। उन्होंने डीजीपी को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता मान नहीं रही और अब उसे पुलिसी अंदाज में समझाना होगा, चाहे इसके लिए कितनी ही सख्ती क्यों न बरतनी पड़े। आपको याद ही होगा कि अब तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों की अपने कार्य के प्रति लापरवाही को लेकर सख्त मिजाज दिखाए थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ की गई हड़ताल के दौरान अपने निर्णय के प्रति तटस्थ रहकर कर्मचारियों को ही झुकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस सख्त मिजाज के चलते अगले चुनाव में उनको अपनी सरकार भी गंवानी पड़ी, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री बनने पर गहलोत ने अपने सख्त तेवर बदल दिए। धीरे धीरे जनता के प्रति अहम फैसले लेने वाले गहलोत अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रदेश में जननायक की उपाधि मिल पा रहे हैं। इसके बाद से ही गहलोत कर्मचारी वर्ग और जनता के प्रति त्वरित और न्यायपूर्ण फैसले लेने की दिशा में अहम नेता के रूप में उभर कर सामने आए। वर्तमान में प्रदेश की राजनीति में गहलोत को एक अनुभवी और जनता के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। उनके साथी और जनता के प्रति समर्पण से ही लोग उन्हें प्रदेश का गांधी भी कहते हैं। ऐसे में जनता की लापरवाही ने ही संवेदनशील सीएम को ऐसा सख्त निर्णय लेने पर मजबूर किया। इस बात में कोई दो चांदना को सोच समझ के प्रभारी बनाया गया। आपके यहाँ नौजवान है चांदना, इन्होंने खेल का आयोजन किया जयपुर के अंदर, स्टेट पूरे राज्य के खेलों का आयोजन।